हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं हॉकिंस के स्टेनलेस स्टील कैसेरोल के बारे में। एंड आई गारंटी यू, ये वीडियो देखने के बाद या हमारी वीडियोस देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल डिटेल में और लाइव इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं हर एक बारीक से बारीक चीजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो आपको कुक एंड सर्व कैसेरोल देखने को मिल रहा है, ये हॉकिंस का 2022 का न्यू लॉन्च है। इसमें आपको दो कैपेसिटीज मिल जाती हैं, एक है 3 लीटर की और एक मिलती है 4 लीटर की। यहां पे जो आज हम फर्स्ट टाइम आपके लिए अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू करने वाले हैं वो है 3 लीटर का। इसका यह डायमीटर जो है वो 24 सेंटीमीटर है और ये हेवी बॉटम सीरीज का है। तो हॉकिंस का स्टेनलेस स्टील कैसेरोल कैसा है देखने में और आखिर ये खरीदने लायक है या नहीं है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इसको अनबॉक्स करके। तो चलिए जल्दी से पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने के लिए यहां पे ये देखिए, हर एक हॉकिंस के प्रोडक्ट में हॉकिंस का टैग लगा हुआ होता है, तो उसको यहां से हमें निकालना पड़ता है। तो जरा सा हॉकिंस का टैग निकाल लेते हैं और यहां पे भी टेपिंग इसकी हटा लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो हॉकिंस का कैसेरोल इन्होंने दे रखा है, ये इससे पहले भी आते थे बट उसका मटेरियल हार्ड एनोडाइज होता था। अब यहां पे देखिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहां पे आएगा कुक एंड सर्व फ्राई पैन 3 लीटर कैपेसिटी का, और यहां पे ये वाला हम आज अनबॉक्स आपके सामने करने वाले हैं, जो कि कुक एंड सर्व कैसेरोल 3 लीटर है और इसके साथ साथ 4 लीटर कैपेसिटी का भी हम अभी आप थोड़े दिनों में आपको अनबॉक्स करके दिखा देंगे। तो सबसे पहले ओपन करने के बाद हमें यहां पे यूजर मैनुअल मिल जाती है, जिसमें हॉकिंस डिटेल में अपनी रेसिपीज देता है कि इसके अंदर आप कौन कौन सी कुकिंग रेसिपीज यूज कर सकते हैं। ये आप इंडक्शन में भी चला सकते हैं, हॉकिंस ने आपको नीचे इंडक्शन भी बना के दिखाया है। तो यहां पे 2 हैंडल है, इंडक्शन बेस मिल जाएगा, हॉट प्लेट में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो जरा इसको साइड में रख लेते हैं, इसको बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लिड जो सबसे ऊपर हमें मिलती है वो मिलती है टफन ग्लास की लिड। तो जरा सा इसको भी ओपन कर लेते हैं और फिर लिड आपको दिखाते हैं। अगर लिड की बात करी जाए तो काफी अच्छी और हेवी क्वालिटी की है, जिसमें हॉकिंस ऑफ फ्यूचरा यहां पे लिखा हुआ है। हालांकि कहीं भी बॉक्स पैकिंग में आपको फ्यूचरा नहीं दिखेगा, बट हॉकिंस ने अपने दोनों ही ब्रांड की यहां पे एडवर्टीजमेंट कर रखी है। हॉकिंस ऑफ फ्यूचरा यहां पे नीचे दे रखा है आपको। तो जरा इसको साइड में रख लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसका कुक एंड सर्व बोल, जो कि आपको एक अच्छी पैकेजिंग में मिलता है। हॉकिंस की पैकेजिंग भी अच्छी करके देता है, जिससे पैकेट कहीं से भी खराब ना हो डिलीवरी के टाइम पे और कहीं भी आपको लाने ले जाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे जरा कैसरोल को पीछे कर देते हैं और ये कुक एंड सर्व कैसरोल आपके सामने है। तो जरा सा इसमें फोकस कर देते हैं, जिससे आपके लिए एक डिटेल जानकारी मिल सके। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इवन पॉलिथिन में भी ये ब्रांडिंग करके देते हैं। इसको जरा यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे फर्स्ट लुक आपको दिखा देते हैं, हॉकिंस स्टेनलेस स्टील कुक एंड सर्व, ये देखिए कैसरोल का। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि कितने वॉटेज में आप हीट कर सकते हैं, इसको जरूर पढ़ लिया करिए, काफी हेल्पफुल रहते हैं। और यहाँ पे मिलता है इसका गारंटी कार्ड। गारंटी कार्ड में यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं। और अगर हम बात करते हैं इसकी ये जैसे टाइमिंग की, तो टाइमिंग में आपको बता दूं, अभी मैं बता दूंगा कि यहाँ पे लिखे होंगे कि कितने टाइमिंग की वारंटी देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 5 साल की वारंटी के साथ ये आपको मिलता है। अब सबसे पहले इसके मटेरियल के बारे में डिस्कस करते हैं। अंदर की तरफ से आपको मिलता है इसमें मैट फिनिशिंग, और मैट फिनिशिंग जो है वो कुकिंग में काफी आसान रहती है। अच्छी क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील है, बाहर की तरफ से आपको काफी अच्छी ग्लॉसी फिनिशिंग देखने को मिलती है। यह हॉकिंस ने कुक एंड सर्व कैसरोल में 4 फीचर्स दे रखे हैं, जिसमें गारंटी दी हुई है 5 ईयर्स की, और ये इंडक्शन और गैस स्टोव दोनों में यूज हो जाएगा। इसमें सबसे अच्छा इन्होंने मेंशन करके दिया है 6.6 mm एक्स्ट्रा थिक सैंडविच बॉटम, मतलब ये जो नीचे से आपको जो बॉटम दिख रहा है ये 6.6 mm है। हॉकिंस के कॉन्ट्यूरा कुकर में भी इतना ही हैवी बॉटम आता है, और हमेशा आप ये देखेंगे हॉकिंस जो अपना हैवी बॉटम देता है वो बिल्कुल डिफरेंट शेप और डिफरेंट टेक्सचर का होता है। रीजन बता देता हूं, ये ऊपर की तरफ आपको स्टील देखने को मिलेगी और पूरी तरीके से ये जो आपको सिल्वर पोर्शन दिख रहा है साइड में, ये सिल्वर पोर्शन एल्युमिनियम होता है, और उसके नीचे बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक आपको स्टील की प्लेट, ये नीचे की जो प्लेट लगी हुई है इसकी फिनिशिंग भले ही आपको सिमिलर दिख रही है, बट ये नीचे जो लगी हुई है ये 430 ग्रेड के आसपास की स्टील है, जिसमें इंडक्शन कंपैटिबल होती है। तो हॉकिंस ने इतना हेवी एक्स्ट्रा थिक बॉटम दे रखा है, वो भी इंटैक्ट लगा हुआ है, जो निकलता नहीं है। मतलब आज तो मैंने बहुत रेयर केसेस देखे ही नहीं है
मैसेज जनरली कि ये निकल रहा हो, और अगर ये निकलेगा या ओवरहीट नहीं होता है तो हॉकिंग्स इसको रिप्लेस करके भी देगा, क्योंकि इन्होंने गारंटी दी है, वारंटी नहीं। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 3 लीटर कैपेसिटी में है, 2050 रुपए का है। इसमें अच्छा खासा हो सकता है कि 2 से 3 दिन में इसका मैं बाय लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो इसको अगर आप खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इसमें 3 लीटर कैपेसिटी का फ्राई पैन अवेलेबल है, क्योंकि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू लॉन्च है। यहाँ पे साइड में आपको 2 हैंडल्स देखने को मिलते हैं जो कि हॉकिंग्स के काफी कॉमन हैंडल्स है। और अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए तारीफ की बात भी करूंगा और इसमें क्या क्या चीजें अभी हमें अपग्रेड की जरूरत होती है, क्योंकि आजकल क्या है कि कुछ अपग्रेड्स की जरूरत है, तो इसमें प्रोज एंड क्रॉन्स भी इसी वीडियो में अभी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं प्रोज बता दूं कि इसमें क्वालिटी स्टील की अच्छी दी हुई है, एक्स्ट्रा थिक बॉटम दिया हुआ है 6.6 mm का, साइड में हैंडल्स बैकेलाइट के दिए हुए हैं, और यहां पे आपको मिलती है ग्लास स्लेट जो कि हॉकिंग्स की अच्छी क्वालिटी की होती है। ऊपर की तरफ से भी स्टेक वूल हैंडल दिया हुआ है जिसकी फिनिशिंग काफी लाजवाब दी है। तो एक बार इसका 360 डिग्री में व्यू दिखा देता हूं और उसके बाद इसमें कुछ क्या है और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते थे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि अगर 360 डिग्री का व्यू दिखाता हूं, ऊपर से लिड काफी अच्छी तरीके से सील कर देती है, तो कुकिंग करते टाइम पे जो फ्लेवर्स है, जो टेस्ट है, वो बरकरार रहेगा। और यहां पे जो ग्लास लिड दी है उसमें होल नहीं दिया हुआ है, अगर होल होता तो थोड़ा सा बेहतर होता। अब अगर हम साइड में बात करते हैं तो यहां पे जैसे कि बैकेलाइट के हैंडल्स दिए हुए हैं, यहां पे थोड़े से आजकल के समय में जैसे ट्राईप्लाई में हम देखते हैं तो काफी अच्छे हैंडल्स देखने को मिलते हैं और काफी अच्छी क्वालिटी के हैंडल्स देखने को मिलते हैं, लगभग वो अनब्रेकेबल होते हैं। बट यहां पे तो ये वाला हैंडल दिया हुआ है, ये बैकलाइट का है, जिसमें हो सकता है कि अगर कभी मिस हैंडलिंग से गिर जाए तो ये टूट भी सकता है। तो मेरे को ये लगता था कि हॉकिंग्स अगर अच्छी इंप्रूवमेंट कर रहा है, क्योंकि क्वालिटी बहुत ही अच्छी दी हुई है, स्टील की क्वालिटी अच्छी दी हुई है, नीचे से हैवी बॉटम भी दिया है, तो हैंडल भी थोड़े से इंप्रूव कर दे और प्राइसिंग की चिंता नहीं होती। जब भी हम ब्रांडेड प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें ऑब्वियसली पता होता है कि कंपनी ने सोच समझ के, अपने कंज्यूमर्स को सोच समझ के प्राइसिंग डिसाइड किया होगा। अगर इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ऊपर भी रहती तो फर्क इतना नहीं पड़ता, अगर हमें अच्छी क्वालिटी के हैंडल्स मिल जाते तो यहां पे ये मुझे थोड़ी सी कमी लगी कि हैंडल्स ये दे दिए हैं। और उसके बाद मैं आपको बात करता हूं नीचे बेस की। आजकल ट्राईप्लाई के जमाने में हैवी बॉटम यूटेंसिल काफी कम लोग प्रिफर करते हैं। ट्राईप्लाई में क्या होता है, हमें इस तरीके से अलग से निकला हुआ बेस नहीं मिलता है, कंप्लीट यूटेंसिल। हालांकि हॉकिंग्स ने भी जो हांडिया निकाल रखी हैं वो हैवी बॉटम की, मतलब हैवी बॉटम की नहीं, ट्राईप्लाई एक्स्ट्रा थिक दे रखी हैं, जिनकी मैं हमेशा तारीफ करता हूं, तो उसकी जगह ये चीज थोड़ी सी मुझे लगी कि इसको और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता था। बट हॉकिंग्स ने 2050 में जो भी आपको 10% के आसपास का डिस्काउंट अगर हॉकिंग्स में मिलता है तो वो बेहतर डिस्काउंट होता है, क्योंकि उसके ऊपर की उम्मीद तो थोड़ी कमी रखते हैं। तो जो अगर 10% के आसपास का डिस्काउंट मिलता है तो 1800 के आसपास में आपको ये प्राइसिंग पड़ेगी, ये 3 लीटर कैपेसिटी का कुक एंड सर्व कैसरोल। अब यहाँ पे क्या है, इससे मिल अगर इसके कंपटीशन में देखा जाए तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं उसके बारे में भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि 2050 में हैवी बॉटम यहाँ पे कैसरोल है, तो यहाँ पे इसके कंपेरिजन में इतना वाइड रेंज में तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसका जो शेप दिया हुआ है वो काफी यूनिक है। मगर इसके कॉम्पिटिशन में काफी ट्राईप्लाई स्टील के कैसरोल्स आ सकते हैं, प्रेस्टीज की स्प्लेंडर सीरीज ट्राईप्लाई स्टील की है वो आ सकती है। मगर प्रेस्टीज की अगर हम बात करते हैं इसके कंपैरिजन में, तो प्रेस्टीज की एक अपनी सीरीज आती है प्लैटिना पॉपुलर की, जिसमें हैवी बॉटम कैसरोल्स आते हैं, तो उसकी प्राइसिंग भी इससे ठीक ठाक आपको मिल जाएगी, उसमें लगभग 20% ऑफ मिल जाएगा। तो मुझे ये लगा कि हॉकिंग्स का जो ये प्रोडक्ट है ये मिला जुला के क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। बट अगर कहा जाए आजकल के कल्चर के हिसाब से, आजकल के एक कह सकते हैं मॉडर्न किचन के हिसाब से, ये थोड़ा सा मुझे लगा कि ये अगर ट्राईप्लाई होता तो मुझे लगता था ये वन ऑफ द बेस्ट यूटेंसिल बन जाता इंडियन मार्केट में। बट यहां पे हाँ ठीक है, हॉकिंग्स ने निकाला है, अच्छी क्वालिटी और कुछ सोच समझ के ही निकाला होगा, और लगभग 1800 में अगर ये अवेलेबल हो जाता है तो ये है कि हाँ ठीक ठाक रेंज इसकी सेल मिलेगी। बट अगर आउटस्टैंडिंग सेल चाहिए होती है या आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट के लिए चाहिए होता है तो मुझे लगता है कि यहां पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि प्राइसिंग इन्होंने 2050 दे रखी है, तो जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगर 200-400 रुपए ऊपर कर भी देते, क्योंकि इनकी ट्राईप्लाई स्टील की कढ़ाई
हाई इनकी 2200 की आती है, तो देयर इज नो डिफरेंस कि वो हैवी बॉटम 2050 में दे सकें, और हालांकि उसमें तो आपको वुडन हैंडल्स मिले हुए हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो मुझे मिला तो ये है कि क्वालिटी के लिए मैं कभी नहीं कहूंगा कि कोई डाउट है, बट यहाँ पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत थी। तो यहाँ पे आपको ये बुकलेट मिल जाती है इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, और इसमें बहुत प्यारी प्यारी रेसिपीज इसमें दी हुई है। एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ कि जो रेसिपीज इन्होंने दे रखी है वो कौन कौन सी, हालांकि इसमें क्या बता रहा है इसी में इन्होंने दे रखा है। देखिए हॉकिंस यहाँ पे रेड थाई करी है, रेड थाई करी जो है वो आपको मिल जाएगी इसी के अंदर कंप्लीट रेसिपी। यहाँ पे चिकन विंडालू आपको मिल जाएंगे, और दो तीन चीजें और यहाँ पे दे रखी होगी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पाव भाजी, तो इन सब की एक बढ़िया परफेक्ट रेसिपी आपको मिल जाएगी, जो कि इनके टेस्ट किचन में पहले टेस्ट की जाती है तभी वो रेसिपी आपको दी जाती है। तो बताइएगा कि कैसा लगा ये हॉकिंग्स का न्यू लॉन्च कैसरोल आपको, और इसमें ऐसी कौन सी इंप्रूवमेंट आपके नजरिए में हो सकती थी जो हॉकिंग्स को करनी चाहिए थी। और बहुत जल्द ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, बहुत जल्द ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे रखा है, बाय लिंक दे रखा है, जहां से आप इसको भी परचेज कर सकते हैं आगे चल के। और साथ ही साथ इसके कॉम्पिटेटिव और भी जितने भी अच्छे कैसरोल्स आते हैं कुक एंड सर्व, वो मैं दे दिया है, तो वहां जाके जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच कीप सपोर्टिंग अस।